हेलो होम साइंस कॉम्पिटिटर्स एंड ऑल कैंडिडेट्स आज हम 101 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू में हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग तो आज हम स्टार्ट करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से और इसका आप लोग बोल रहे थे पीडीएफ के लिए तो मैंने इसका पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर जो कि होम साइंस लेट्स क्रैकेट के नाम से ही है वो मैंने वहां पर शेयर कर दिया है और कुछ नोट्स भी शेयर कर दिए हैं तो आप लोग अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी तो वहां से आप सारे के सारे 125 ट्वेंटी क्वेश्चन वहां से ले सकते हो विद आंसर ओके और साथ साथ में जो भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं जो आपको यहाँ पर हम पीडीएफ दिखाते हैं वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं तो वहां से आप उसको ले सकते हो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है स्टेपल फाइबर तो स्टेपल फाइबर पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेपल तंत्र होता क्या है स्टेपल का मतलब है कि जो जिन आ, रेशों की लंबाई कम होती है यानी कि छोटी होती है और जिनकी आ, जिन रेशों की लंबाई ज्यादा होती है उन्हें फ़िलामेंट बोलते हैं ओके स्टेपल को हिंदी में लघु आकार तंतु बोलते हैं यहां पर स्टेपल को लघु आकार तंतु बोलते हैं और दूसरा होता है फिलामेंट, फिलामेंट फाइबर जिसे कि दीर्घाकार फ़िलामेंट फाइबर जिसे कि दीर्घाकार तंतु बोलते हैं ठीक है दीर्घाकार का मतलब होता है जिसकी लंबाई अधिक होती है और जिसकी लंबाई कम होती है उसे स्टेपल यानी कि लघु आकार बोलते हैं तो यहां पर पूछा गया है कि स्टेपल तंतु का उदाहरण है यानी कि कौन सा लघु आकार का रेशा है तो रेशम जूट डेक्रॉन और नायलॉन तो चूंकि नायलॉन डेक्रॉन ये सब क्या है ये दोनों ही सिंथेटिक फाइबर है और जो रेशम है ये है तो नेचुरल लेकिन नेचुरल में रेशम ही एक ऐसा रेशा है जो कि एक्सेप्शनल है जिस जो कि है तो प्राकृतिक रेशा लेकिन उसकी लंबाई अधिक होती यानी कि वो एक फिलामेंट फाइबर है ओके okay? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जूट ठीक है क्योंकि जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं ऑल नेचुरल फाइबर एक मिनट हां ऑल नेचुरल फाइबर जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं स्टेपल फाइबर होते हैं ये ध्यान रखिएगा जितने भी प्राकृतिक तंतु हैं चाहे वो कॉटन हो जूट हो हेम्प हो ठीक है या फिर आपका हाँ इतने हो गए या फिर लिनन हो तो ऊन है तो ये सब के सब आपके जो है स्टेपल फाइबर होते हैं ठीक है इनकी जो है लंबाई कम होती है लेकिन रेशम भी प्राकृतिक फाइबर है क्योंकि ये किससे मिलता है ये एक कीड़े से प्राप्त होता है रेशम की के कीड़े से प्राप्त होता है तो रेशम ही एक इकलौता ऐसा फाइबर है जो कि है तो प्राकृतिक लेकिन वो फिलामेंट फाइबर है यानी कि इसकी लंबाई काफी लंबी होती है ठीक है तो इस वजह से यहां पर जो जूट है वो आपका स्टेपल फाइबर कहलाएगा इसके अलावा कॉटन भी है जूट तो है ही लिनन भी है हेम्प भी है और जितने भी प्राकृतिक फाइबर है वो सारे के सारे आपके स्टेपल तंत्र में आ जाएंगे एक्सेप्ट सॉरी सिर्फ रेशम को छोड़ करके फिर आते हैं एक नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन दृश्य सामग्री नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड दॉले सामग्री सामग्री का मतलब है जिसे कि हम देख सकते हैं यानी कि देखकर जिससे देखकर हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं नॉलेज गेन करते हैं तो श्यामपट को भी देख सकते हैं पोस्टर को भी देख सकते हैं फ्लैश कार्ड को भी देख सकते हैं लेकिन चलचित्र मीन्स जो फिल्म है उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं इट मीन्स ये जो है ऑडियो और विजुअल दोनों है ऑडियो प्लस विजुअल दोनों है फिल्म आप क्या कर दे आप देख भी रहे हो उसको साथ साथ में और सुन भी रहे हो तो हम ऑडियो का मतलब सुनना विजुअल का मतलब होता है देखना यानी कि दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री है तो यहां पर पूछा गया दृश्य सामग्री नहीं है तो ये क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर नहीं शब्द आया है तो उसमें से आपको देखना है कि निगेटिव में यानी कि जो आ, नहीं का मतलब है कि जो वो पूछ रहा है वो नहीं है ठीक है तो कभी आ, क्या होता है हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं सॉल्व करते हैं तो नहीं पर ना ध्यान दे करके हम क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं तो ये अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो इस पर आपको ध्यान देना है कंफ्यूज नहीं होना है फिर है एक सौ तीन नंबर क्वेश्चन नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र क्लॉथिंग फॉर न्यूबॉर्न बेबी शुड बी कैसा होना चाहिए नया सूती व माल लगे होने नए नहीं, नहीं होने चाहिए नए कपड़े क्या होते हैं आप ही अगर नए कपड़े लेकर के आते हो पहले उसको वॉश करते हो उसके बाद में पहनते हो डायरेक्टली उसे नहीं पहन क्योंकि हो, क्या होता है कि वो इचिंग क्रिएट करता है और थोड़ा सा हार्ड सा रहता है पुराने सूती व कोमल कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं तो कृत्रिम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए नए भी नहीं होने चाहिए माल लगे हुए भी नहीं होने चाहिए सॉफ्ट चाहिए तो पुराने चाहिए पुराने कपड़े जो है सॉफ्ट होते हैं ठीक है और सूती और कोमल होने चाहिए फिर है 104 नंबर क्वेश्चन है कि हार्ट चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है ऑफ द फॉलोइंग हैज इंपॉर्टेंट रोल इन थे डायटिशियन का है नर्स का है या फिर गृहिणी का है तो ऑब्वियसली डायटिशियन का रोल है क्योंकि डायटिशियन ही आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार की डाइट लेनी है आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग अगर आपको बीमारी कोई नहीं है तब भी आपको किस तरीके की डाइट लेनी है वो जो है डायटिशियन आपको रिकमेंड करती है ओके अब यहां पर थर्पेटिक न्यूट्रिशन की बात आई है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि थर्पेटिक न्यूट्रिशन है क्या? तो यहां पर देखिए न्यूट्रिशन को हिंदी में उपचारात्मक आहार कहते हैं इसको उपचारात्मक आहार कहते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं यहां पर आप देख सकते हो जो उपचारात्मक आहार है वो उसे हम हॉस्पिटल डाइट भी बोलते हैं अस्पताल आहार भी बोलते हैं ठीक है ये दो प्रकार के होते हैं सामान्य और नियमित आहार और संशोधित आहार संशोधित संशोधित का मतलब है मॉडिफाइड डाइट मॉडिफाइड डाइट ठीक है तो असामान्य का मतलब हो गया नॉर्मल तो यहाँ पर जो अस्पताल आहार या फिर हम कहें ये दो प्रकार की होती है तो सामान्य हो गई और एक संशोधित सामान्य का मतलब है जनरली जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी नहीं है तब भी क्या होता है कि हम जो है अस्पताल में आहार तब दिए जाते हैं सामान जिसे कोई बीमारी मान लीजिए हो गई है तो पहले स्टार्टिंग में जो है जो भी रोग है उसके अकॉर्डिंग डाइट दी जाती है लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सुधार होता चला जाता है जो लास्ट में जब पेशेंट पूरी तरीके से सही हो जाता है तो उसको नॉर्मल डाइट दी जाती है तो उसको वो भी आपके अस्पताल आहार के अंदर में ही आती है ठीक है फिर आता है संशोधित में भी दो प्रकार का है तरल आहार है और नरम आहार तरल का मतलब है लिक्विड लिक्विड डाइट और नरम का मतलब है सॉफ्ट ठीक है तो इसमें भी दो आ गया और तरल में भी दो है स्पष्ट तरल आहार और पूर्ण तरल, तरल आहार पूर्ण का मतलब हो गया फुल फ्लू फुल फ्लू और का मतलब हो गया क्लियर अब इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम आप जो मैंने इसके पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है आहार के प्रकार तो उसमें हमने इन सब सारे डाइट्स के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और ये भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि तरल आहार नरम आहार इसमें कितनी कैलोरी, कितनी प्रोटीन कितनी जो है कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा कितना कितना लेना चाहिए तो ये हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसका वीडियो में का लिंक मैं यहां पर शेयर कर दूंगी इस वीडियो के साथ में तो आप वहां से देख सकते हो या फिर मेरे चैनल पर भी जाकर के आप इसको देख सकते हो ठीक है आहार के प्रकार के नाम से ये वीडियो है फिर आता है 105 नंबर क्वेश्चन विकास का क्रम है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ओके धड़ पैर गर्दन सिर मुख मुख गर्दन धड़ पैर सिर सिर मुख गर्दन धड़ और पैर तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है अब देखिए जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है ये एक प्रिंसिपल है यानी कि ये जो है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में से एक सिद्धांत है उसका उसके कई दस ग्यारह सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से एक आपका सिद्धांत है विकास का क्रम ठीक है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंटल सीक्वेंस करके है ठीक है तो या फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी है तो कई नामों से है ये तो ये जो यहां पर पूछा गया है इसका विकास का क्रम तो विकास के क्रम में आपने दो चीज दो पढ़े होंगे एक है सिफैलो कॉडल सिफैलो कॉडल लॉ भी इसको बोलते हैं और दूसरा है प्रोक्सिमो डिजिटल लॉ सॉरी प्रसिमो डिस्टल, डिस्टल ठीक है तो दो है सिफाइलो और और डिस्टल तो जो सिफो होता है ये आपका हेड टू टो होता है हेड टू टो होता है और डिस्टल जो होता है सेंटर टू फॉर होता है ठीक है फॉर का मतलब दूर हो गया तो जो आप यहां पर कहा गया है क्रम पूछा गया सिर मुख गर्दन धड़ पैर ये आपका सिफेलोकॉडल लॉ है यानी कि हेड टू टू हेड टू टू का मतलब है पहले सिर का डेवलपमेंट होगा फिर मुख का फिर गर्दन फिर धड़ और उसके बाद में पैर का सबसे लास्ट में ठीक है तो ऊपर से लेकर के नीचे जो डेवलपमेंट होता है ठीक है उसको सिफेलोकॉडल लॉ बोलते हैं और जो सेंटर टू फॉर यानी कि मिडल से लेकर के और बाहर की ओर होता है डेवलपमेंट जिसे हम अगर अपने हाथ को अगर लेते हैं तो क्या होता है पहले हमारे कंधे डेवलप होते हैं फिर हमारे भुजाएं डेवलप होती हैं फिर हमारा हाथ डेवलप होता है उसके बाद में हमारे हाथ की ये जो अंगुलियां हैं फिंगर्स हैं वो डेवलप होती हैं ठीक है ठीके? तो ये भी हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में इसको डिटेल में पढ़ाया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो तो ये जो है आपका दो है सिफेलो कॉडल और यहां पर जो पूछा गया है सिरमुख गर्दन धड़ और पैर ये आपका सिफेलो में आता है हेड टू टो में फिर है, है, है फर्श बिछावन है छत बिछावन है या फिर ये सभी है तो रग क्या है ये फर्श को ढकने के लिए यूज किया जाता है फर्श फ्लोर कवरिंग के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख लोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये जो यहाँ पर बिछाया गया है ये ये चीज जो यहाँ पर दिख रही है ये क्या है आपका रग है ठीक है तो ये फ्लोर को कवर करने के लिए यूज किया जाता है फर्श को यहां पर आप देख सकते हो ठीक है कई जो टेबल्स के नीचे भी इसको डालते हैं या फिर पूरे फ्लोर पर भी डला हुआ होता है ये आपने देखा होगा घरों में भी रहता है या फिर और रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपने देखा होगा तो इस तरीके से ही इसको रग बोलते हैं चलिए फिर आते हैं 107 तो नंबर क्वेश्चन है कि वसा आघुलनशील है फैट इज इनसॉल्युबल इन तो ईथर में है पानी में है कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर क्लोराइड में तो फैट किसमें नहीं घुलता है इनसॉल्युबल का मतलब जिसमें वो नहीं घुलता है तो फैट किसमें नहीं घुलता है पानी में ठीक है ईथर में कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड इन सब में वो घुलनशील है यानी कि सॉल्युबल है लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं है मींस इनसॉल्युबल फिर है अनौपचारिक शिक्षा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अब देखिए यहां पर चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं पहला है कि अनौपचारिक शिक्षा संगठित होती है व्यवस्थित होती है अत्यधिक संस्थानिक होती है शैक्षणिक गतिविधि है तो इसमें जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है ये दूसरा आंसर दिया हुआ है इसमें जो राइट आंसर इन्होंने दिया है वो है दूसरा यानी कि पहला और दूसरा सही है अनौपचारिक शिक्षा इन्होंने कहा कि संगठित होती है और व्यवस्थित होती है ठीक है और यहां पर कहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो यहाँ पर पहले इसको मैं आपको तीनों एजुकेशन पढ़ा देती हूं देखिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा अब ये होता क्या है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया यानी कि हम एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं कि हमें डिग्री मिल सके बल्कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जो परिवर्तन चाहते हैं अपने अंदर या फिर दूसरों के अंदर तो वो परिवर्तन लाना ही शिक्षा कहलाता है इसी निर्देश या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान और आदतों को प्रदान करने देखिए ज्ञान और आत्तों को प्रदान करने या तो आप किसी को प्रदान कर रहे हो या फिर आप प्राप्त कर रहे हो ठीक है प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है ठीक है यानी कि ज्ञान और आदत ये कौन प्रदान करता है हमारे शिक्षक और प्राप्त कौन करता है स्टूडेंट यानी कि हाँ, हम ठीक है तो ये दोनों तरीके से परिभाषित किया जा सकता है फिर है शिक्षक के प्रकार तो इसको तीन में डिवाइड किया गया है एक औपचारिक अनौपचारिक और गैर औपचारिक तो औपचारिक को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन तो ये संस्थागत कालानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत और अच्छी तरह से संरक्षित शिक्षा की प्रणाली है जो स्कूली शिक्षा से शुरू होती है और उच्च शिक्षा तक जाती है इसे स्कूलों या फिर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त किया जा सकता है जो विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं इसलिए इसे स्कूली शिक्षा ट्यूशन आदि के रूप में प्राप्त किया जाता है यानी कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं पहले हम स्कूल में गए ठीक है उसके बाद में फिर हम कॉलेज में गए ठीक है तो इस तरीके से स्कूली शिक्षा से लेकर के हमने हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा तक प्राप्त की यानी कि डिग्री प्राप्त की पीएचडी तक हमने शिक्षाएं प्राप्त की हैं तो ये सारी की सारी क्या है फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है यानी कि औपचारिक शिक्षा ये क्या है संस्थागत यानी कि आपने किसी ना किसी संस्था से ली है ये शिक्षा कालानुक्रमिक का मतलब है कि आपने पहले एक साल जैसे कि पहले पहल पहली क्लास आपने जो है पास की फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी पांचवी ऐसे सीक्वेंस में आपने जो है अपनी शिक्षा को प्राप्त किया हुआ है तो कालानुक्रमिक उसको कहा जाता है ठीक है तो ये तो हो गया फॉर्मल एजुकेशन फिर आता है अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक को इनफॉर्मल कहते हैं और गैर औपचारिक को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है और इसे हम कहां से प्राप्त करते हैं ये एक व्यक्ति अपने दैनिक अनुभव यानी कि जो भी आप रेगुलर एक्सपीरियंस ले रहे हो और जो आपके आसपास का जो पर्यावरण है उसके संपर्क के माध्यम से घर में काम पर दोस्तों से रेडियो टेलीविजन कागजात किताबों यानी कि आप कहीं से भी जो भी ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते हो ग्रहण करते हो वो आपका अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है और ये कभी भी खत्म नहीं होती है यानी कि ये आपके जन्म से जब आप शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट करते हो और मृत्यु तक ये आपके चलती रहती है यानी कि आप हर जगह से शिक्षा ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है आपके दोस्त हो सकते हैं आपका रेडियो हो सकता है आपका टेलीविजन हो सकता है आपकी किताबें हो सकती हैं, आपके आसपास का वातावरण हो सकता है आपके डेली के जो भी अनुभव हैं वो हो सकते हैं तो ये कभी ना खत्म होने वाली है इसको अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं ठीक है इंग्लिश में इनफॉर्मल फिर गैर औपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसको नॉन फॉर्मल कह रहे हैं ठीक है ये एक सुव्यवस्थित शैक्षणिक गतिविधि है ठीक है जो कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर के एक प्रकार की चयनित शिक्षा है जो चयनित व्यक्तियों के समूह को प्रदान की जाती है जिसमें वयस्क भी हो सकते हैं युवा भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं जैसे कि महिलाओं के लिए गृह विज्ञान से संबंधित स्वास्थ्य पोषण शिशु देख स्वच्छता फल सब्जी संरक्षण जैसी गतिविधियां तथा स्वयं सहायता समूह पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल है जैसे कि कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके लिए पर्टिकुलर जैसे तो वयस्क के लिए किया जा रहा है एडल्ट के लिए किया जैसे एडल्ट एजुकेशन है ठीक है युवा के लिए किया जा रहा है या फिर बच्चों के लिए किया जा रहा है तो कोई एक कैटेगरी ले ली जाती है उनका चयन कर लिया जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसको गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं ठीक है ये सुव्यवस्थित यानी कि ये भी ऑर्गेनाइज होती है शैक्षणिक गतिविधि यानी कि एजुकेशनल एक्टिविटी है प्रसार शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन तथा सतत शिक्षा एजुकेशन ये तीनों ही गैर औपचारिक शिक्षा के अलग अलग रूप है यानी कि चाहे आप एजुके एक्सटेंशन एजुकेशन कह सकते हो एडल्ट एजुकेशन कह सकते हो या फिर कॉन्टेन एजुकेशन कह सकते हो ये सभी के सभी आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाते हैं उसके अंतर्गत आते हैं ठीक है अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है ध्यान दीजिए गैर औपचारिक को नॉन फॉर्मल इन्होंने कहा है ठीक है अब यहां पर इंग्लिश में इन्होंने नॉन फॉर्मल दिया हुआ है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है गैर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक को इनफॉर्मल एजुकेशन इंग्लिश में कहते हैं तो इन्होंने दोनों यहां पर हिंदी में कुछ अलग कुछ और दिया हुआ है इंग्लिश में कुछ और दिया हुआ है तो दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है ठीक है आंसर इन्होंने पहला और दूसरा दिया है तो अगर हम पहला और दूसरे की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये इंग्लिश वाला जो है वो पूछा जा रहा है यानी कि अनौपचारिक नहीं बल्कि ये गैर औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है जो क्वेश्चन है नॉन फॉर्मल क्योंकि नॉन फॉर्मल जो है वो संगठित होती है ऑर्गेनाइज होती सुव्यवस्थित होती है यानी कि व्यवस्थित होती है और संगठित होती है गैर औपचारिक शिक्षा क्या है जिसे एडल्ट एजुकेशन दिया जा रहा है तो जो एडल्ट एजुकेशन की शुरुआत हुई तो उसमें क्या हुआ उसमें संगठित का मतलब होता है कि उसमें कई सारे लोग मिल करके काम करते हैं तो एक संगठन होता है ऑर्गेनाइजेशन रहता है व्यवस्थित का मतलब है एक व्यवस्था के अनुसार होता है पहले से प्लानिंग की जाती है ठीक है प्लानिंग होती है कंट्रोलिंग होती है उसको इवेलुएट किया जाता है अच्छे अच्छे से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है तो सब कुछ जो होता है यानी कि पूरे सिस्टमैटिक ढंग से होता है लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको आ, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी होना चाहिए था शैक्षणिक गतिविधि अगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन पूछ रहा है तो, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक और एन एजुकेशनल एक्टिविटी ये तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए यानी कि पहला ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल नहीं हाँ यहां पर है पहला दूसरा और चौथा तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए लेकिन जो आयोग के अकॉर्डिंग था तो उन्होंने पहला और दूसरा इसमें सही दिया हुआ है ठीक है चलिए तो अब आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन पर गर्भवती मां को कब्ज की शिकायत ना हो इसलिए उसे अब प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन सो शी शुड ईट क्या खाना चाहिए वसा युक्त तो भोजन करना चाहिए नहीं अधिक प्रोटीन युक्त तो भोजन करना चाहिए नहीं छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां खानी चाहिए हाँ ये बिल्कुल सही है अधिक कार्बोज युक्त तो भोजन करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं देखो तो फैट भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि फैट के भी पाचन में ज्यादा समय लगता है और प्रोटीन तो प्रोटीन में तो सबसे अधिक समय लगता है डाइजेशन में तो गर्भवती माँ जो है कब्ज की दिक्कत ना हो तो ऐसा भोजन देना है जिससे कि उसे कब्ज की प्रॉब्लम ना हो डाइजेशन भी अच्छे से हो जाए तो छिलकेदार दालें छिलकेदार है दाल है हरी सब्जी इसमें क्या होते हैं फाइबर्स होते हैं यानी कि इसमें रेशे पाए जाते हैं जो कि डायजेशन में मदद करते हैं और कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है फिर आते हैं एक सौ दस नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर है तो चूंकि जब ये पेपर हुआ था तो उस तो उस टाइम पर दिल्ली था नंबर वन पर तो ये ऑप्शन सही था दिल्ली सही था लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आप यहां पर देख सकते हो यहां पर देख सकते हो अगर दो में अगर ये क्वेश्चन आता है पूछा जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग ये दिया गया है जिसे कि शॉर्टकट में सीपीसी कहते हैं 2022 तो ये 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें जो सबसे पॉलिटेंट सबसे पॉलिटेड सिटी है वो है आपकी कटिहार बिहार यानी कि बिहार में कटिहार जगह है सिटी है तो वो सबसे ज्यादा पॉलिटेड सिटी में आता है 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ठीक है तो उसमें 360 यानी कि टॉप पर आपका बिहार है तो अगर प्रेजेंट में 2022 में अगर सबसे दो सिटी पूछा जा रहा है मतलब जगह पूछी जा रही है उसमें बिहार ऑप्शन है तो आपका बिहार जो है सही होगा ठीक है अब दिल्ली क्या हो गई यहां पर सेकंड नंबर पर आ गई है थर्ड पर भी बिहार का बेगूसराय है और फोर्थ नंबर पर हरियाणा है हरियाणा में फरीदाबाद और सीवान जो है पांच नंबर पर भी बिहार है तो यहां पर ये यह पूरी लिस्ट दी हुई है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैं शेयर कर दूंगी तो वहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो तो यानी कि टॉप पर कौन आ गया टॉप पर आ गया बिहार जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो ये उस टाइम पर डेली टॉप पर था तो ये आंसर सही था लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर आएगा तो बिहार आएगा ओके फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घुलनशील है किस में जल में वसा में मरकरी या फिर सल्फर में तो ऑब्वियसली विटामिन बी किस में घुलनशील होता है जल में विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होता है और विटामिन ए डी ई एंड के ये किसमें होता है ये वसा में घुलनशील है वसा में घुलन शील ओके okay? चलिए फिर आता है एक सौ बारह नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्राम वसा देता है वन ग्राम फैट गिफ्ट कितनी कैलोरी देता है पॉइंट जीरो जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन पॉइंट नाइन या फिर नौ किलो कैलोरी तो ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये एक ग्राम वसा से नाइन किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है अगर हम कहें एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जिसे कि हम सी एच ओ से डिनोट करते हैं तो उसे फोर किलो कैलरी मिलती है और एक ग्राम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उसे भी सेम फोर किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों से ही फोर फोर कैलोरी मिलती है लेकिन एक ग्राम वसा से नाइन किलो कैलोरी मिलती है फिर है एक सौ तेरह नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है तो आ पार्ट ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन तो यह इसमें पूछा गया है कि स्त्री प्रजनन अंग में नहीं यानी कि इसमें से कौन सा नहीं है प्रोजेस्ट्रॉन डिम्ब ग्रंथियां गर्भाशय डिम्बवा देखिए ओवरीज यूट्रस ये तीनों ही तीनों ही क्या फीमेल है? है, okay? फिर में कौन प्रबंधन का कार्य है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अधिक्रम नौ प्रवर्तन पहल कार्य का विभाजन तो प्रबंधन का कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनमें से क्या है तो ये है कार्य का विभाजन ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक पॉइंट है कार्य का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क और ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया ये हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया है हेनरी फेल ने फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं जिसे कि हम वैज्ञानिक प्रबंधन के चौदह सिद्धांत कहते हैं ओके तो यहां पर आप देख सकते हो चौदह सिद्धांत कौन कौन से कार्य विभाजन जो कि पूछा गया डिवीजन ऑफ वर्क दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरा है अनुशासन डिसिप्लिन आदेशिक यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड निर्देशिक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सामूहिक रुचि की अपेक्षा व्यक्तिगत रुचि की गौणता समॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट पारिश्रमिक यानी कि रेमुनरेशन केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन आविचरित आदेशिक श्रृंखला लाइन ऑफ कमांड व्यवस्था तंत्र ऑर्डर और, ऑर्डरलीनेस भी इसको बोलते हैं समानता इक्विटी और कार्यकाल की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्य पहल अथवा क्रियाशील सूत्रपात इनिशिएटिव एकता एवं निष्ठा यानी कि दे एक्सपर्ट्स तो यहाँ पर फोर्टीन जो ये प्रिंसिपल है ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि हैनरी फेल के द्वारा दिए गए हैं ओके okay, तो ये हो गया फिर है पहला मानव निर्मित रेशा है ऑर्लॉन डेक्रॉन रेन या फिर नायलॉन तो रेयन जो है पहला मानव निर्मित रेशा है फर्स्ट मैनमेड फाइबर है रेयन ठीक है क्योंकि ये 1892 में आया था और नायलॉन जो है 1927 से 1929 में आया है तो फर्स्ट पर आपका रेन आ जाएगा फिर है छह रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए द डाइट फॉर अ पेशेंट सफरिंग विद ट्यूबर क्लोसिस शुड हैव अधिक प्रोटीन था अधिक कैलोरी युक्त तो अधिक प्रोटीन कम कैलोरी कम प्रोटीन कम कैलोरी कम प्रोटीन या फिर अधिक कैलोरी तो छह रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको है तो उसका आहार कैसा होना चाहिए तो उसका जो आहार है वो हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी यानी कि अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी होनी चाहिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर वन छह रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाया जाना चाहिए फॉलोइंग इज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एम एम आर डी पीटी हिपेटाइटिस ए या फिर बीसीजी तो अः ट्यूबर क्लोसिस के लिए कौन सा टीका लगता है वो है बीसीजी जो कि बर्थ पर ही लगवाया जाता है ठीक है तो यहां पर आइए इसको देख लेते हैं ये है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ठीक है तो इसमें सारा दिया हुआ है देखिए बर्थ पर कौन कौन सा टीका लगेगा इसके बारे में दिया हुआ है बर्थ पर तीन लगते हैं एक तो बीसीजी का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीबी जीरो डोज ठीक है फिर हिपेटाइटिस बी की डोज तो यानी कि तीन है बीसीजी का ओपीवी बी और हिपेटाइटिस बी ये तीनों बर्थ पर लगते हैं फिर सिक्स वीक्स टेन वीक और फोर्टीन वीक तो ध्यान दीजिएगा यहां पर इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा देखिए ओपीवी का यहां पर जीरो डोज थी अब पहली डोज जो है सिक्स वीक पर लगती है दूसरी डोज टेन वीक पर लगती है और फोर्टीन वीक पर तीसरी डोज लगेगी तो ये हो गई पोलियो की वैक्सीन तीनों डोज सिक्स टेन और फोर्टीन वीक पर लग गई अब यहाँ पर ओपीवी खत्म फिर आता है अब यहां पर हिपेटाइटिस बी की तो बात नहीं की जा रही है लेकिन जो हिपेटाइटिस बी है वो आपका यहाँ पर जो पेंटावाइलेंट दिया हुआ है पेंटावाट की पहली डोज सिक्स वीक पर लगती है दूसरी डोज टेन वीक पर और तीसरी डोज जो है फोर्टीन वीक पर लगती है ठीक है तो ओपीवी हो गया पेंटावाट हो गया अब यहाँ पर जो हिपेटाइटिस बी की डोज लगी थी बर्थ पर तो पेंटावाट के अंदर ही हिपेटाइटिस बी आता है जो पेंटावाइलेंट है इसके अंदर पांच वैक्सीन आती है ठीक है तो एक इसमें से है हिपेटाइटिस बी तो कि ये भी यहां पर लग फिर आता है रोटा वायरस वैक्सीन तो इसकी पहली डोज सिक्स वीक पर दूसरी टेन और तीसरी 14 पर लगती है, है इंजेक्ट कि किया जाता है पोलियो वैक्सीन तो इसकी पहली डोज जो है सिक्स वीक पर लगेगी टेन वीक पर कोई नहीं है ठीक है और दूसरी डोज कहां पर है फोर्टीन वीक पर यानी कि पहली डोज सिक्स वीक पर है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की जो इंजेक्ट की जाती है और दूसरी डोज है आपकी 14 वीक पर है ओके तो ये ओपीवी हो गया पेंटावैलेंट हो गया रोटा वायरस हो गया आईपीवी हो गया अब यहाँ पर है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ये नई वैक्सीन है जो कि पहले नहीं लगाई जाती थी लेकिन अब इसको ऐड कर दिया गया है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इसको पीसीबी बोलते हैं तो इसकी पहली डोज लगती है 6 वीक पर और दूसरी डोज इसकी भी लगती है फोर्टीन वीक पर यानी कि आईपीवी और पीसीवी दोनों की पहली डोज सिक्स पर और दूसरी डोज लगती है वीक पर पर ठीक है है फिर टू मंथ एंड रूबेला रूबेला की पहली डोज लगती और जापानी जापानीफिलाईटिस की पहली डोज लगती है और पीसीवी की, की दो ही डोज लगती है तो दो डोज यहां पर खत्म हो गई फोर्टीन वीक पर अब यहां पर इसका बूस्टर लगता है नाइन टू ट्वेल्व मंथ पर पीसीवी का यानी कि जो ट uh, वैक्सीन है निमोनिया के लिए जो लगता है उसका बूस्टर लगेगा 16 24 मंथ पर फिर से मेजल्स की दूसरी डोज लगेगी जापानी इंसेफ्लाइटिस की भी दूसरी डोज लगेगी और यहां पर पार्टिस और पार्टिस बूस्टर लगेगा क्योंकि जो, जो आपका जो पेंटावाट वैक्सीन थी इसके अंदर पेंटावा के अंदर पांच आती है ठीक है इसके अंदर पांच वैक्सीन है कौन कौन सी डी डीपीटी तीन वैक्सीन ये हो गई ठीक है एक हो गई हिपेटाइटिस बी और पांचवी है एच आई बी ठीक है तो देखिए डीपीटी चूंकि डीपीटी क्या है ऑलरेडी लग चुकी है डीपीटी जो है डिप्थीरिया पार्ट्यूसिस और टिटनेस ठीक है तो यहां पर हाँ सॉरी जो आपका डिप्थीरिया का है इसकी बूस्टर डोज लगती है 16 टू 24 मंथ पर इसकी डिप्थीरिया पार्ट्योसिस की बूस्टर डोज लगती है ठीक है क्योंकि इसकी ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है किसके अंदर पेंटावेलेंट के अंदर पेंटावेलेंट के अंदर ही डीपीटी आपका आ रहा है ठीक है पेंटावेलेंट के अंदर डीपीटी आ रहा है तो पहली डोज सिक्स वीक पर दूसरी डोज टेन पर और तीसरी फोर्टीन वीक पर लग चुकी है तो तीन वैक्सीन हो गई है इसकी ती, तीनों डोज हो चुकी है अब इसका बूस्टर डोज लगेगा तो बूस्टर डोज कहां पर लग रहा है सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर मंथ पर यानी कि इसमें से सिर्फ डीपीटी लग रहा है ठीक है जो हिपेटाइटिस बी है और ये है आपका हिमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी ये इन्फ्लुएंजा के लिए लगता है हिमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है इसका नाम फुल फॉर्म तो ये नया ऐड हुआ ये भी नया ऐड हुआ है ये तो पहले से ही लगती थी डीपीटी और हिपेटाइटिस बी ये पहले से ही वैक्सीन लगती थी लेकिन जो ये हीमोफिलस इंफ्लुएंजा टाइप बी लग रहा है ये नया ऐड हुआ है ये भी नया ऐड हुआ है ठीक है तो ये जो है यहाँ पर पेंटावेलेंट के अंदर लग गई तो इसकी बूस्टर डोज हो गई ओपीवी की भी बूस्टर डोज लगेगी फिर फाइव टू तो सिक्स पर डीपीटी बूस्टर दूसरी बूस्टर डोज लगेगी दस साल पर टिटनेस एंड डिप्थीरिया टीडी लगेगी सोलह साल पर भी टीडी लगेगी और प्रेग्नेंट मदर को टी डी वन टू या फिर टी डी का बूस्टर लगेगा ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पर देखिए जो पीसीवी है जो नीमोकॉकल वैक्सीन है निमोनिया के लिए जो लग रही है वो सेलेक्टेड स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाती है जो यहाँ पर नाम दिया गया है बिहार हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान और ये स्टार्ट कहां से हुआ हरियाणा जो है एज स्टेट इनिशिएटिव के रूप में है ठीक है और जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है वो भी एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में ही लगाई जाती है यानी यूपी में लगाई जा रही है तो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में ही जापानी इंसेफ्लाइटिस लगाई जाती है हर जगह नहीं लगाई जाती है और यहां पर टीडी बूस्टर कर दिया गया वन डोज इफ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन थ्री ईयर यानी कि बूस्टर डोज तब दी जाएगी अगर पहले से वो तीन पहले तीन साल के अंदर में उसको मतलब वैक्सीन उसने लिया हुआ है टीडी का तब तो फिर जो है उसको बूस्टर डोज दी जाएगी अगर नहीं लिया हुआ है तो उसको ये सेकेंड डोज दी जाएगी ओके तो यहाँ पर ये तो शॉर्टकट में है इसका डिटेल में भी यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको हम शेयर कर देंगे ग्रुप पर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप इसको ये पीडीएफ देख सकते हो ओके तो ये पूरा डिटेल में दिया गया है अगर आप चाहो तो ये शॉर्टकट में दिया गया है तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो और डिटेल में चाहिए तो आप जो है नीचे जो पीडीएफ दिया हुआ टेबल वहां से आप देख सकते हो चलिए फिर है लेटी के अंतर्गत आते हैं लेटी क्या है संतुलन रेखा का, का पास जो बेब नाइट गाउन टाइपर या फिर ऊन नायलॉन शीशा रेसा तो ये जो है बेब नाइट गाउन और टाइपर लेटी है क्या इसके अंतर्गत जो भी इन्फेंट है यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके जो भी कपड़े है एसेसरीज हैं वो लेटी के अंदर आते हैं यानी कि बच्चे का जो पूरा कपड़े का और एसेसरीज का सेट है यानी हर एक चीज जो भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप जो भी कपड़े और जो भी उसके लिए लेते हो वो सब कुछ लेटी कहलाता है तो उसमें बेब हो गया बच्चे का नाइट गाउन हो गया डायपर हो गया ये सब कुछ आ जाते हैं फिर एक किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है फ्रॉम विच प्लांट सोर्स ग्लूटेन इज डिराइव्ड तो सोया चावल मक्का गेहूं तो ऑब्वियसली बीट से गेहूं से प्राप्त किया जाता है ग्लूटेन फिर है एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई थी ये कब शुरू हुई थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी कि आईसीडीएस तो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं 1975 में स्टार्ट हुई थी कॉर्जिन के अनुसार गृह प्रबंध है क्या है शारीरिक विज्ञान है प्रयोगात्मक है सैद्धांतिक है या फिर उपरोक्त तो सभी तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले कॉर्जिन जो है इन्होंने कहा है कि होम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल साइंस यानी कि वो प्रयोगात्मक विज्ञान है जो कि हम डेली लाइफ में उसका यूज करते हैं फिर है 122 नंबर क्वेश्चन है परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ कब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ 1976, 77, सेवन एटी या फिर एटी तो ये सेवेंटी में स्टार्ट हुआ है और आई थिंक इसका जो आंसर दिया गया था वो सेवेंटी दिया गया था लेकिन इसका जो राइट right आंसर है वो सेवेंटी है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो ये है

वेलफेयर तो पहले क्या था कि जो ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसका नाम था पहले नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ओके पहले इसका नाम नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था जो कि 1951 में आया था स्टार्ट हुआ था लेकिन बाद में 1977 में 1970 में इसका नाम चेंज कर दिया गया इसका नाम रख दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ओके और जो मिनिस्ट्री थी उसका भी नाम चेंज किया गया पहले था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल फैमिली प्लानिंग था बाद में इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कर दिया गया तो ये चेंजेस हुए थे ठीक है तो 1977 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हम कहेंगे कि आया है फिर जल शुद्धिकरण के रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्लोरोमाइन क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर या फिर इनमें से कोई नहीं तो इनमें से जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो है ब्लीचिंग पाउडर फिर है पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है द लास्ट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल विस्तृत परिवार संकुचित प्रारंभिक या फिर इनमें से कोई नहीं तो जो लास्ट स्टेज होता है फैमिली लाइफ साइकिल का वो होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज या फिर संकुचित परिवार <coughs> सॉरी जो फैमिली लाइफ साइकिल है उसमें तीन स्टेज होते हैं तो इसमें जो पहला स्टेज होता है वो कहलाता है प्रारंभिक परिवार यानी कि बिगनिंग स्टेज दूसरा होता है, है संकुचित परिवार जिसे हम लास्ट है। बिगनिंग जो होती है उसमें क्या होता है जब एक लड़का और एक लड़की दोनों की शादी होती है और वो अपना घर बसाते हैं यानी कि उस टाइम पर बच्चे नहीं होते सिर्फ दो लोग होते हैं हस्बैंड और वाइफ होते हैं नई नई शादी होती है और क्या होता है उनके पास एनर्जी मनी और टाइम तीनों ही चीज भरपूर होता है किसी चीज की कमी नहीं रहती समय भी उनके पास होता है क्योंकि अभी कोई भी बच्चे नहीं रहते हैं तो इसको बिगनिंग स्टेज ऑफ फैमिली बोलते हैं यहाँ पर तीनों ही चीज भरपूर मात्रा में रहती है और दूसरा जो है विस्तृत परिवार है जब उनके बच्चों का जन्म होता है यानी कि जब पहला बच्चा जन्म लेता है और भी धीरे धीरे मतलब एक या फिर एक से अधिक बच्चे जब हो जाते हैं तो उसको विस्तृत परिवार कहते हैं यानी कि अब उनकी विस्तृत का मतलब होता है फैलना यानी कि अब उनकी दो से तीन चार पांच यानी जितने बच्चे होंगे तो उसके अनुसार जो उनकी फैमिली बढ़ जाती है ठीक है अब क्या होता है अब यहां पर जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो उनकी केयरिंग यानी कि इन्फेंट से लेकर के जब तक वो एडल्ट होते हैं तब तक जो है उनका केयर करना उनकी हेल्थ को लेकर उनके एजुकेशन को लेकर के हर एक चीज पर पूरा ध्यान देना होता है तो इसमें क्या होता है इसमें टाइम भी समय भी कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है समय भी कम पड़ जाता है ऊर्जा भी कम पड़ जाती है और पैसा भी कम पड़ जाता है क्योंकि उनकी स्कूलिंग से लेकर के उनके हायर एजुकेशन तक की पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है तो और साथ साथ में उनके हेल्थ को भी ध्यान में रखना होता है उनकी सारी जरूरतों को ध्यान में रखना होता है तो ये जो है विस्तृत परिवार जो होता है ये सबसे बड़ी मतलब जो सेकेंड स्टेज होती है वो सबसे बड़ी और लंबे स्टेज होती है ओके फिर आता है संकुचित परिवार जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज तो संकुचित का संकुचन का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना यानी कि पहले क्या थे दो लोग थे उसके बाद में उनके जब बच्चे हुए तो परिवार बढ़ा विस्तार हुआ लेकिन फिर उसके बाद में फिर वो संकुचित हो गई इसका मतलब हुआ कि अब क्या होता है जो संकुचित परिवार होता है इस टाइम पर क्या होता है जो भी हस्बैंड वाइफ है अगर जॉब में है तो उनका रिटायरमेंट स्टेज आ जाता है वो अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं और अपने जो उनके बच्चे होते हैं वो घर छोड़ करके कहीं बाहर चले गए जहां पर पढ़ाई कर रहे थे वहीं पर वो सेटल हो गए वहां जॉब लग गई वो उनकी शादी हो गई वो अपना फैमिली सेटअप कर लेते हैं यानी कि वो अपना सेटअप पूरी तरीके से कर लेते हैं जॉब की भी और अपनी फैमिली की भी तो अब क्या होता है जो बच्चे हैं वो घर से निकल करके बाहर चले जाते हैं और वहां पर वो सेटल हो जाते हैं लेकिन अब इसमें क्या होता है चूंकि रिटायर हो जाते हैं तो अब यहाँ पर जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसे की जरूरत तो नहीं होती है क्योंकि अब जो है वो बुढ़े हो जाते हैं ओल्ड एज में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे की नीड नहीं होती लेकिन फिर भी हेल्थ पर है खाने पीने पर है जब से तो ज्यादा हेल्थ पर क्योंकि जब एज ज्यादा हो जाती है तो हेल्थ भी सही नहीं रहती है तो पैसे अधिक लगते हैं तो अब क्या होता है रिटायरमेंट हो गया है तो यहाँ पर उनकी अब वो तो रिटायर हो गए तो उनके में मनी में तो पैसे में तो कमी हो गई है लेकिन क्या होता है जो उनके बच्चे हैं अब उनकी जॉब लग गई है तो वहां से वो बैलेंस में आ जाता है मतलब पैसे की जो बैलेंस था जो इधर पैसे कम पड़े थे अब वहां से बैलेंस में आ जाते हैं उनके बच्चों के द्वारा ठीक है तो लेकिन इस टाइम पर क्या होता है जो भी ओल्ड एज पीपल होते हैं यानी जो हस्बैंड वाइफ जो पहले थे वही अभी भी बचते हैं और क्या होता है कि वो अकेला महसूस करते हैं और खुद को अपने परिवार पर यानी अपने बच्चों पर खुद को बोझ समझने लगते हैं तो इस तरीके से जो है वो उतने हैप्पी नहीं रहते हैं अगर बच्चे उनके साथ में नहीं रहते हैं तो ठीक है तो ये संकुचित परिवार होता है तो ये लास्ट स्टेज होती है

पतला मोटा जिस तरीके का कपड़ा होता है उसी अकॉर्डिंग आप सुई का चयन करते हो तो यहाँ पर कपड़े की किस्म के अकॉर्डिंग ही आप सुई का चयन करोगे ओके? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, यानी कि ये पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है इसके पहले हम इसका पार्ट वन पार्ट टू डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम ये आपका सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं तो अगर ये ये भी जो दोनों पार्ट हमने ऑलरेडी जो है शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पर ये तीसरा पार्ट भी हम वहां पर शेयर कर देंगे और जो भी नोट्स अभी हमने यहाँ पर देखे हैं वो भी हम आपको वहां पर शेयर कर देंगे तो वहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो नेशनल जो इम्युनाइजेशन शेड्यूल है उसका भी पीडीएफ हम शेयर कर देंगे तो वहां से आप ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हो तो इसीलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको सारे नोट्स प्रॉपर मिलते रहे ठीक है और जो भी हमने यहाँ पर समझाया है अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आपके लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि व्यूज तो रहते हैं लेकिन जितने व्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक्स नहीं होते हैं तो अगर आपको पसंद आ रहा है थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है सही लग रहा है तो फिर लाइक जरूर कर दीजिए उस पर जो थमका जो है उस पर क्लिक करना है आपको उसको जरूर क्लिक कर दीजिए और साथ साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो भी है होम साइंस के कैंडिडेट है उनके उन, उनको शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके ओके चलिए फिर आ, मिलते हैं आ, नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे अपना ख्याल रखिए पढ़ाई करते रहिए तैयारी करते रहिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टेक केयर